केमिस्ट्री में तो बहुत, टेंथ 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 में पढ़ाया किया जाता है। ये रजत है। जो एक जो आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड या कीटोन, या ओनली एल्डिहाइड ओनली कीटोन के भी कुछ होंगे जिनसे केवल एल्डिहाइड बनेगा, केवल कीटोन बनेगा। तो तीन कैटेगरी में हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है। पहला है जिस ऐसे मेथड्स जिसमें जिससे आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हो। फिर दूसरा पढ़ेंगे ओनली फॉर एल्डिहाइड। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग ओनली फॉर कीटोन। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मुझे लगेगा कि पहले बताया जा चुका है, लगेगा नहीं मतलब जो बताए जा चुके हैं अल्कोहल या हेलो एल्केन हेलो एरीन में, उनको मैं रिपीट में नहीं बता रही हूँ टाइम की कमी की वजह से। फिर आप लोग बोलेंगे तो रिपीट कर दूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और उसमें से भी वो आपके रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। वो हो भी चुके हैं फिर भी दोबारा एक बार कर लेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन। अब बोर्ड पे देखिए, थोड़ा ध्यान इधर लगाइए। आपको पता है एल्डिहाइड कौन सी स्पीसीज होगी? बोर्ड पे देखो, कार्बोनिल ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप है इसमें? कार्बोनिल ग्रुप होगा। कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या अटैच होगा? आर और एच। कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या अटैच होगा? आर और एच, ठीक है। तो इसके साथ क्या क्या अटैच होने वाला? आर और एच अटैच है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एल्डिहाइड। और अगर कीटोन की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप है, इसके साथ क्या अटैच होगा? कार्बोनिल ग्रुप के साथ दोनों के दोनों क्या होंगे? एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, है ना? बोथ आर एल्काइल। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आर और आर क्या हो सकते हैं? आर और आर इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। मिथाइल मिथाइल भी ले सकते हैं, इथाइल मिथाइल भी ले सकते हैं, अलग अलग। तो एक को बोलोगे एल्डिहाइड, दूसरे को बोलोगे क्या? कीटोन। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये तो सबको मालूम होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन। एसिड पढ़ लिया है आपने तो एल्डिहाइड कीटोन तो मालूम ही होगा। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एल्डिहाइड का आयुपैक नेम अगर हम लोग लिखें, आयुपीएसी नेम, तो इसका लिखते हैं एल्केनल। क्या लिखते हैं? एल्केनल, ठीक है। सबसे पहला एल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड, SCHO, नाम होता है मीथेनल। कीटोन की अगर बात करें तो आयूपीएसी नेम होता है कीटोन का एल्केनोन। एल्के सबसे पहला कीटोन फैमिली का जो मेंबर होता है एसीटोन होता है। कौन सा मेंबर है कीटोन फैमिली का सबसे पहला? एसीटोन। आयूपैक नेम बोले तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ, कौन सी ले रहे हैं पहले? फॉर बोथ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को एल्डी लिख रही हूँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोनों के लिए कौन से मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं? चलो भाई स्टार्ट कर दिया जाए। सबसे पहला मेथड है ऑक्सीडेशन। फर्स्ट मेथड कौन सा है? ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन कराते हैं पीसीसी की प्रेजेंस है, पिरिडिनियम क्लोरक्रोमेट, पीसीसी करा चुके हैं पहले, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रिपीटेड, इसलिए शॉर्ट में कराएंगे, रिपीटेड पीसीसी की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा, आर सी एच टू ओ एच कन्वर्ट हो जाएगा पीसीसी के थ्रू आर सी एच ओ, क्लियर है बात। पिरिडिनियम क्लोरक्रोमेट, पीसीसी इज पिरिडिनियम क्लोरक्रोमेट, क्या लिख दूं, हो चुका है ना एक बार, पी सी सी, इसके नीचे एक पॉइंट लिख लो, अगर कोई कंपाउंड है स्पेशलिटी लिखो इसकी, बाकी तो ठीक है आप कर ही लेंगे, क्लोरोक्रोमेट पीसीसी, पीसीसी, इसके नीचे पॉइंट लिख लो, पीसीसी, पीसीसी डज नॉट अटैक ऑन, पीसीसी डज नॉट अटैक ऑन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, अगर एल्कीन है उस कंपाउंड में, एल्कीन भी है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड भी है, तो उसको ऑक्सीडाइज पीसीसी नहीं करता है, ठीक है, जैसे मान लो तुमने ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल ये हो गया ना R2CHOH, इसको अगर कन्वर्ट करना है पीसीसी को थ्रू ऑक्सीडेशन करा दिया, तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, 2 डिग्री के ऑक्सीडेशन से बनता है, क्या बनता है, कीटोन, 2 डिग्री के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन, ठीक है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही बना रहेगा, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कंपाउंड है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, ये है आपका, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, देवांग पहुंच गया, अरे वाह, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है देवांग, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, पीसीसी के थ्रू कीटोन में, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड वाला ग्रुप क्या रहेगा, अनटच्ड, तो पीसीसी लगा दें तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन बना लीजिए जी, एक रिएजेंट और था K2CR2O7H2SO4, उससे भी यही काम होता है, K2CR2O7H2SO4, बताए थे कुछ, नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट मेथड बी बी लिख दो, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन बाई K2Cr2O7H2SO4। दीपक लिख नहीं रहे हो, लिखो लिखो कॉपी किताब में नहीं, कॉपी में लिखे। ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7H2SO4 प्लस H2SO4 दोनों चीजों से हो। वन डिग्री लिख लो, वन डिग्री एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू वन डिग्री एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड देन कन्वर्टेड इनटू एसिड। हम लोग पढ़ चुके हैं ना ये पहले। हाँ ये वाला जो है ये एल्डिहाइड पे रुकेगा नहीं, बीच में एल्डिहाइड बनेगा लेकिन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होके एसिड बना लेगा। K2Cr2O7 या KMnO4 ले लो, या एक और है CrO3 भी ले सकते हैं, तीनों को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तीनों को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेना है। हाँ अब बोलो तुम्हारा क्वेश्चन भैया, बोल दो जल्दी से। हाँ आगे एसिड बन जाएगा, PCC लेते हैं तो एल्डिहाइड पे रुक जाता है। और गिरा था किससे, स्टार बना के लिख लो, एल्डिहाइड से एसिड बना लिया तो लिख लो PCC, तो लिख लिया ना K2Cr2O7 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर दे। हाँ और फिर उसके बाद नीचे पॉइंट बना के लिख लो PCC स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड। पीसीसी एल्डिहाइड पे ही रोक देगा है ना, लेकिन KMnO4 एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 CrO3 ये सब क्या करेंगे, एसिड तक ले जाएंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए। कह लो कुछ कहना चाहते हो, तो तब से हैरान हो, इतनी हैरानगी की बातें हैं। बेंजाइल एल्कोहल से क्या बनाएंगे आप, बेंजल्डिहाइड, और फिर उसके बाद एटल्डिहाइड। कोई बनाया बताया था एल्कोहल ने बताया हो, अभी तो याद नहीं आ रहा। अरे अभी है कि नहीं है, जबरदस्ती तो क्या ध्यान रखना है आपको, पीसीसी है तो एल्डिहाइड तक ही बनाना है। पीसीसी खूब पूछते हैं, इंपॉर्टेंट लिख दो पीसीसी के आगे, स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट लिख दो भैया, पीसीसी के आगे इंपॉर्टेंट लिख दो। नेक्स्ट लिखो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ नेक्स्ट मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल सी। हाँ तो रिएजेंट अलग हो गया ना, सी अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में अल्कोहल को ट्रीट करते थे ना, RCH2OH ले लो,
573 केल्विन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा RCHO। ये 1 डिग्री से था, अगर 2 डिग्री ले ले तो कीटोन बन जाएगा, यहां से एक एच, यहां से एक एच, लिख लो भैया। ये रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड लिख देना, जिससे आपको कुछ तो दिमाग में बिना लिखे तो घुसेगा नहीं, कि एक बार पढ़ चुके हैं अगर अभी तक भी याद नहीं है तो थोड़ी सी शर्म आ जाए। नहीं, जो नहीं कर रहे, जिनको जिनको नहीं याद है। फाइव सेवेंटी थ्री हाई टेम्परेचर, कॉपर ट्यूब में गर्म करेंगे। नेक्स्ट लिखो, इसमें स्टार बना दो, इस पॉइंट पे स्टार बना लो, स्टार बना के नीचे लिखो। मैं तो देखो, इसीलिए तो समझ नहीं आता बाद में, इसीलिए तो मैं समझ, हम पूरी बात लिखते भी तो नहीं है, बोलते ज्यादा लिखते कम है। क्या लिखो, इफ 3 डिग्री एल्कोहल, इफ 3 डिग्री एल्कोहल आर डिहाइड्रोजिनेटेड, डिहाइड्रोजिनेटेड नॉट गिव, एल्डिहाइड और कीटोन, दे आर डिहाइड्रेटेड, उनमें डिहाइड्रोजिनेशन होगा ही नहीं, क्या होगा, वाटर निकलेगा। 3 डिग्री, 3 डिग्री में क्या होगा, ये 3 डिग्री है, यहाँ पे कॉपर 573 की प्रेजेंस में अगर गर्म करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, पानी निकल जाएगा। कहाँ से, ये OH और एक कार्बन से H, स्टेबल एल्कीन बनानी है, वो सब ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एल्कीन बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, 3 डिग्री में एक तो वाटर निकलेगा, हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, वाटर निकलेगा, और क्या बन जाएगी, एल्कीन। चलिए, ठीक, ये भी पढ़ा हुआ था, रिपीटेड लिख दिया मैंने ना इसमें, इस मेथड में नोट कर लिया, ऑनलाइन वाले भी नोट कर रहे हैं। तो आप तो कभी बोलते ही नहीं हो रुकने के लिए, मैं तो फास्ट फास्ट चेंज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैं, लोग फिर लिखते रहते हूँ फटाफट से। बोलते रहते थे, लिख रहा हूँ, चलो नेक्स्ट मेथड लिखो। फाइव सेवेंटी थ्री केल्विन पे हीट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग, हीटिंग डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ MnO, MnO को बोलते हैं मैग्नस ऑक्साइड। भैया डी है ना, डी, डिकम्पोजिशन या हीटिंग भी लिख सकते हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी प्रेजेंस में? MNO की प्रेजेंस में। MNO को बोलते हैं मैग्नस ऑक्साइड, मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा? एल्डिहाइड, कीटोन भी बन सकते हैं। चलिए बनाया जाए, बनाए ये नया है, ये शायद नहीं बताया था, मैग्नस ऑक्साइड वाला नहीं बताया। HCOH ले लिया, फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं वाटर और CO2, क्या क्या निकालें? वाटर और CO2 देखो क्या क्या होता है। CO2 निकाल दें और वाटर भी निकाल दें। ये मैकेनिज्म नहीं है, क्या बना? HCHO। तो यानी कि हीट करने पे वाटर भी निकल गया और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो गया और डिहाइड्रेशन भी हो गया। देख रहे हैं क्या क्या हो गया इसमें? डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना और डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है बात? अब अगर हम लोग एसिटिक एसिड ले लें तो क्या बनेगा, क्या सोचते हो आप? देख लीजिए, बनाओ, तोड़ने का प्रोसेस बता दिया ना, एक से CO2, एक से H और OH मिला के H2O। देखो क्या बन CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, यही बच रहा है। क्लियर है बात? तो इसी तरीके से होगा, सेम टू सेम। चलो लिखो, अब दोनों को मिला दो। बेंजोइक एसिड हो तो देखते हैं, बताते हैं। हो गया, मैंने नहीं कराया। अब ले लो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, दोनों को मिक्स कर लो। ये एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल थे, ये फॉर्मिक एसिड के दो थे। अब दोनों को मिक्स कर दो, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब क्या बनेगा देखो जल्दी से। ये नोट हो गया ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रोसेस समझ में आया? दो मॉलिक्यूल लेकर के क्या करना है, एसिड के H2O और CO2 निकाल देना। अब दोनों को मिक्स करके रिएक्शन लिखो। इसका डिकम्पोजिशन होगा भी कि नहीं होगा ये सोचना पड़ेगा ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तुमने करा दिया, तोड़ दिया, उसमें सोचना पड़ता है भैया, रिपोर्टेड है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता है। एक से CO2 निकाल दें और एक से क्या निकाल दें, H और OH निकाल दो भैया, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। कराई कहाँ, उसने करा दी अपनी कॉपी में। इसका मतलब एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड मिक्स करोगे तो एसिटल डिहाइड बनेगा, फॉर्मिक
फॉर्मिक एसिड के दो लिए तो क्या बना था, फॉर्मल्डिहाइड, और अगर एसिटिक एसिड और दूसरे एल फॉर्मल फॉर्मिक एसिड को मिक्स किया तो क्या बना था इस पे? इसका मतलब अगर दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के हैं तो फॉर्मल्डिहाइड, अगर एक फॉर्मिक एसिड और दूसरा कोई और एसिड ले लिया आपने तो कीटोन, कीटोन। हाँ दोनों अलग अलग लेंगे तो एल्डिहाइड, और अगर दो फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई और एसिड है दोनों सेम ले लिए मॉलिक्यूल तो कीटोन। ठीक है लिख देती हूँ, की पॉइंट लिख देती हूँ। अगर टू टू मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड है तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड इस रिएक्शन से, ठीक है, और अगर टू मॉलिक्यूल्स अदर एसिड के हैं लेकिन दोनों के दोनों जो है वो क्या है सेम है तो बनेगा कीटोन। ठीक है, फॉर्मिक एसिड के अलावा अगर कोई एसिड लिया आपने और दोनों के दोनों सेम ले लिए तो क्या बन जाएगा कीटोन, और टू मॉलिक्यूल में से अगर वन इज फॉर्मिक एसिड एंड अदर एसिड कोई भी अदर एसिड फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई भी तो क्या बनेगा एल्डिहाइड। मतलब जो काम कर रहा है की पॉइंट में कौन काम कर रहा है, फॉर्मिक एसिड, अगर दोनों फॉर्मिक तो फॉर्मल्डिहाइड, अगर एक फॉर्मिक तो एसिटल्डिहाइड, अगर एक भी फॉर्मिक नहीं तो कीटोन, अगर एक भी फॉर्मिक नहीं तो कीटोन। हो गया यहाँ तक? एक आपको वो करवाया था ड्राई डिस्टिलेशन, डीडी, या डिस्ट्रक्टिव या ड्राई, दोनों एक ही बात है। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव या ड्राई डिस्टिलेशन था इसकी अगर बात की जाए तो आपको उसको दोबारा कराने की जरूरत है। नेक्स्ट मेथड लिख लो, नेक्स्ट मेथड लिख लो, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ, हाँ ऑप्शन ई डाल के लिख लो, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, इसमें लिख लीजिए रिपीटेड, रिपीटेड लिख लीजिए, और ये जो आप बेंजल्डिहाइड वाला पूछ रहे थे ना ये रिपोर्टेड नहीं है, इस एसिड में नहीं है। बोर्ड का देखा तो था पर एग्जैक्ट याद नहीं है, देखा तो था, आपने बोला था तो मैंने देखा। ड्राई डिस्टिलेशन में क्या प्रोसेस यूज करते थे हम लोग, रिपीटेड तो लिख लिया, पर उसमें मान लो एक रिएजेंट है, एक वो है, अगर उसको यूज करें, जैसे मान लो ये है हमारे पास कंपाउंड, ड्राई डिस्टिलेशन वाले के नीचे उसी में लिखना रिपीटेड है। ठीक है, अगर ऐसा है, ये कौन से एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है जरा बताएंगे आप लोग?
सैलिसिलिक एसिड कल ही बताया था उसने, बेंजीन रिंग थी। एक ने बता दिया ना, अगर मतलब दुनिया लुट चुकी है बिल्कुल अपने क्लास की, एक ने बोल दिया अगर कुछ तो उसी को सब बोलेंगे। ये ऑक्सैलिक है, COOH, CO, इसमें CH2 नहीं होता है। एक CH2 ला दीजिए तो क्या बन जाता है, मेलोनिक। कल ही बताया था मेलोनिक, बीच में एक CH2 आ गए, फिर उसके बाद दो CH2 आ गए तो सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक इसमें दो ऐसे, एक है सक्सीनिक, एक कौन सा था, सुबेरिक था ना, जी था ग्लूटेरिक, ए था एडिपिक और पी था पिमिलिक। पिमिलिक ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है। तो ड्राई डिस्टिलेशन में क्या किया क्या था हम लोगों ने, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते थे ना, याद है कुछ क्लास, बोर्ड पे देखिए। ड्राई डिस्टिलेशन जब कराते थे तो क्या तरीका था, ड्राई डिस्टिलेशन में क्या करते थे, CaCO3 निकाल देते थे, ये है ना, ये क्या निकाले थे, CaCO3। बाकी जो बचता था उससे कंपाउंड बन जाता था, CH3, COCH3 बन गया। यही तो प्रोसेस था। अब इसमें निकालते हैं, इसमें एक ही मॉलिक्यूल में आपके क्या है, कार्बन कार्बन अटैच है, क्या निकालना है हमको, CaCO3। क्या करवा रहे हैं, ड्राई बनाओ प्रोडक्ट, क्या बन सकते हैं, क्या CaCO3 निकालना है ना, CaCO3 निकाल के देखो क्या बनता है, CaCO3 निकालना है। एक CaCO3 निकाल के सबको जोड़ दो, रिंग गायब नहीं होगी। केमिस्ट्री को ठीक है, याद करने का तरीका अपने अंदाज। अरे भाई क्या बना दिया, रजत ने बना दिया साइक्लिक ईथर, कीटोन बनाना है। ये दोनों ये बॉन्ड ब्रेक होने होंगे भी, सॉरी ड्राई डिस्टिलेशन, तुमने भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, ये एसिड का अपना ओरिजिनल बॉन्ड है, केवल CaCO3 निकाल के प्रोडक्ट बनाना है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग CH2 का बॉन्ड ये वाला ब्रेक, ये है कीटोन, कैसा कीटोन बन गया, साइक्लोप्रोपेनोन बन गया, यस और नो, साइक्लिक कीटोन है ना, एक दो तीन, ये सोचो कि अगर पहले बता चुके हैं, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, पहले बता चुके हैं और रिपीट नहीं कर रहे हैं और एक ही इक्वेशन बता रहे हैं तो कुछ तो होगा। कहां से,
निकल तो गया। नहीं तो आप बोल रहे थे कि मुंह खुल जाएगा, मुंह खुल जाएगा मतलब क्या है? यहाँ से ये चीज यहाँ से अलग हो जाएगी। हाँ तो ऐसे हो गया ना, ये सीओ बचा, सीओ ऐसे हो गया। और ये CH2 CH2 बॉन्ड को नहीं ब्रेक करना था, यहाँ पे सबने कॉपी में CH2 CH2 को ऐसे कर दिया, सीओ को बीच में। CH2 CH2 कैसे स्टेबल होगा? CH3 CH3 बने ना, तो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? दोनों एक बॉन्ड से जुड़ गए, बॉन्ड तो चाहिए ना, चार बॉन्ड। ये CH2 CH2 को इधर से भी ओपन कर दिया था, इधर से भी ओपन कर दिया था, चार बॉन्ड तो चाहिए ना इसको। हो गया इतना, यहां तक हो गया DD। तो DD में एक इक्वेशन लिखवाया, बाकी आपने पहले एसिड में पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे? हाइड्रेशन ऑफ एल्केन पढ़ लीजिए, कल जो बताया था, अलग है, ये रिपीटेड नहीं है। ई है कि एफ है? ये डी था ना, ये डी था, अगला वाला ई हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है? रिद्धिमा कोमल देवांग? नहीं, इतना शोर क्यों मचा रखा? चलो भैया इस पे लिख दें, रिपीटेड, रिपीटेड था ना ये वाला, रिपीटेड नहीं था, इसके पहले वाला रिपीटेड था। सी भी रिपीटेड था। ए के बाद मैंने सी लिख दिया, बी तो लिखा ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बी में ये लिख लो ना, ये तो तुमने लिख लिया, मैंने लिखा नहीं था ना। ये क्या करेगा? ये सारे रिएजेंट क्या करेंगे? एल्कोहल को एसिड। चलो अब कहाँ पे पहुंच गया अपन? एफ। चलो एफ को सीख लेते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी तुमने पूछा था ना क्वेश्चन, अभी एडवांस में भी आया था इसमें क्वेश्चन, एक साल पहले या 2 साल पहले या शायद, जो अब बताने जा रहे हैं। हाँ एल्काइन का नेक्स्ट है आपका, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्काइन नॉट एल्कीन, किसका हाइड्रेशन कर रहे हैं? एल्काइन का। किसकी प्रेजेंस में होता है? एल्काइन को ट्रीट करते हैं H2SO4 और HgSO4 से, ठीक है? ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एल्काइन H+HG+2, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है? दोनों एक ही बात है। और इसमें क्या होता है, पहले वाटर का एडिशन होता है, वाटर ऐड होगी, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ रूल से, मार्कोनिक ऑफ रूल से। फिर उसके बाद इसमें होगा टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन क्या होता है पता ही है ना सबको?
टॉटोमेराइजेशन का मतलब होता है 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट। अभी बताते हैं कैसे होगा। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा इसमें प्रोडक्ट। चलो हाँ, कीटोन भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, काम काम में कंफ्यूज कर रहा है। H2SO4, HgSO4 ये लिखा हुआ मिल सकता है, या H+, Hg+2 ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, रिएजेंट इसके, ठीक है। क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड कराना है पहले एल्काइन के ऊपर, फिर उसके बाद उसमें क्या करना है टोटो मेराइजेशन, ठीक है। चलिए भैया करते हैं। सबसे सिंपल एल्काइन कौन सी है? बहुत ही प्रॉब्लम है। सबसे सिंपल एल्काइन कौन सी होती है? एसिटाइलीन, इथाइन बोलते हैं, एसिटाइलीन इथाइन। क्या करना है, वाटर ऐड कराना है किस रूल से? मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है भाई। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जहां पे लेस हाइड्रोजन है वहां से निगेटिव पार्ट को जोड़ दीजिए, है ना। बाकी कार्बोकेटाइन भी देखना पड़ता है, यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन OH- को जोड़े कहाँ पे, जिधर हाइड्रोजन कम हो, दोनों में बराबर है, किसी पे भी जोड़ दो, और H को दूसरे पे, तो CH2 CH OH डबल बॉन्ड तो रहेगा ही। क्लियर होती है बात, ठीक है। अब आपको क्या बताया, इसके बाद क्या होगा? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट। एक को बोलो 1, दूसरे को बोलो 2, तीसरे एटम को बोलो 3। 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट का मतलब 3 से हाइड्रोजन किस पे आ जाएगा? 1 पे, और डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा एडजेसेंट पोजीशन पे। 1-2 के बीच में है तो कहाँ चला जाएगा डबल बॉन्ड? 2-3 के बीच में, हाइड्रोजन कहाँ गया? हाँ, मैकेनिज्म बताई नहीं मैंने अभी तक। क्या बन गया? इसकी नहीं बताई, क्या बन गया ये? ऐसी एल्डिहाइड। एसीटोन कहाँ दिख रहा है? CHO है ना, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है? एसीटल्डिहाइड। क्लियर है बात? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो इसमें। हम समझ गए, इसका यक्कू दिमाग बहुत चलता है, चलना भी चाहिए। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। रही है दोबारा वाटर ऐड कराओ फिर वाटर निकालो, क्यों? इसने बात वैसी कर दी, कैसी? मैकेनिज्म जैसी, कि एक बार वाटर ऐड करा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं। पर वहां पे भी कुछ उद्देश्य होता है कि किसी पोजीशन पे किसी चीज को लाना होता है। यहाँ तो दोनों एकदम बराबर है, कोई पोजीशन कुछ नहीं। नोट कर लिया? हाँ, तो करा दो, दोबारा से करा दो, दोबारा से करा के देख लो क्या बन रहा। अपना बोर्ड थोड़ी खराब करेगा। चलो, प्रोपाइन के ऊपर ऐड करा के जरा प्रोडक्ट बना लो सब लोग, अगर ये बात समझ में आ गई है तो।
प्रोपाइन के ऊपर ऐड करा लो, वाटर किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस प्रोडक्ट बना लो। सब लोग बनाने की कोशिश करें। ये किसी के जूते से आवाज आ रही है, पेन से आवाज। खराब है क्या? जूते से आ रही किसी के, चू चू बच्चे, बच्चों के जूते जो जैसे। प्रोडक्ट बनाओ। सुहानी आंसर आया। कोशिश कीजिए। डिहाइड्रेटिंग काम करते हैं। बन गया प्रोडक्ट। भाइयों और बहनों, कोमल प्रोडक्ट बन गया। कीटोन बन रहा है। चलो चेक करो आंसर, है ना? बनाते हैं। HOH ऐड करना है। OH किस पे जाएगा? क्लास बोर्ड पे देखिए। OH उस पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है, और H दूसरे वाले पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे क्या आ गया? H। ठीक है, 1 2 3 कौन से हो गए? 3 से 1 पे क्या जाना है? हाइड्रोजन। और जो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है वो कहाँ चला जाएगा? 2 3 के बीच में। तो बना लीजिए, बस टॉटोमेरिज्म हो गया। 1 3 याद रखना है। जहां से एल्कीन शुरू हो रहा, एल्काइन शुरू हो रहा है, उस कार्बन को क्या मान लीजिए? 1। और जहां पे OH बन रहा है उसको क्या मान लीजिए? 3। और शिफ्टिंग करा दीजिए। CH3, C डबल बॉन्ड O बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया? CH3। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? ये बीच में बनता है अनस्टेबल, और ये क्या बन गया? एसीटोन। तो प्रोपाइन से क्या बना? एसीटोन प्रोपेनोन। क्लियर है? स्टार बना के पॉइंट लिखो।
स्टार बना लो, लिखो। स्टार बना के पॉइंट लिख लो। HCHO कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। भाई कैसे बनेगा? रिएक्शन तो कैसी हो रही है? एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कार्बन तो कुछ बढ़ नहीं रहे हैं, जितने कार्बन है कंपाउंड में उतने कार्बन ही रहेंगे, ठीक है। और एल्काइन से शुरू करना है रिएक्शन, एल्काइन दो कार्बन से कम का तो हो नहीं सकता। फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं? एक ही होता, तो इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं बन सकता। इथेनॉन कहाँ से कोई चीज होगी? तीन कार्बन का ही कीटोन पॉसिबल है ना, ठीक है। क्लियर है बात? चैप्टर को सीक्वेंस से ही करोगे? हाँ सीक्वेंस से करने का मतलब यह है कि अभी अपने पास अच्छा खासा टाइम है, कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वाला रिएक्शन है वो करवा दें, थोड़ा बड़ा है। हाँ आराम से है ही, जो है वो तो दीपक ओरिजिनलिटी समझ गया, विदुषी विदुषी ऐसे कर रही है, सांस नहीं आ रही उसकी। आप लोगों से पूछ रही हूँ, सीक्वेंस तो ये है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहले एक बार खत्म किए जाए, फिर प्रॉपर्टीज शुरू किए जाए। और मैं चाह रही हूँ कि जो दो चार इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो पहले ही करवा दें, और फिर उसके बाद फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज होती रहे, सीक्वेंस से चलेंगे। इम्पोर्टेंट से मतलब नहीं है। चलो फिर अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन करो। सिक्का उछल रहा है। तो तुम्हारी तुम नहीं बोलो। चल नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट कौन सा करें? ओजोनोलिसिस कर लेते हैं। ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट है ये भी, ओजोनोलिसिस भी। अभी कौन से चल रहे हैं जिससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं? इसमें से केवल पीसीसी ऐसा करा दिया, इसमें टपका दिया, जो क्या हो गया आपका ये देखो, ये जी। लिखो ओजोनोलिसिस। ओजोन ऐड कराएंगे, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ओजोनोलिसिस, ठीक है। कैसे कैसे होगी पहले इसका रिएक्शन का वो लिख लीजिए जरा। एल्कीन्स, एल्कीन्स रिएक्ट विद ओजोन,
टू फॉर्म एल्किन्स रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड एल्किन्स रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड एंड दीज आर इट हैव क्लीवेज, इट हैव क्लीवेज और लाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, इट हैव क्लीवेज और लाइसिस एंड फॉर्म क्लीवेज और लाइसिस टूटना वो इतना वो उतना बायो में होता है क्लीवेज और लाइसिस टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड ब्रैकेट में लिख लो एल्डिहाइड एंड कीटोन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों बने, कभी कभी ऐसा हो सकता है केवल एल्डिहाइड बने, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि केवल कीटोन बने। ठीक है, स्टार बना के एक पॉइंट और लिख लो, बाद में लिखने से अच्छा है साथ में लिखो। क्या बनेगा यहाँ पे? एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्टार बना के लिखो। व्हेन कार्बन हैव हाइड्रोजन एंड व्हेन कार्बन डज नॉट हैव हाइड्रोजन, व्हेन कार्बन हैव हाइड्रोजन देन दिस पार्ट फॉर्म्स एल्डिहाइड एंड व्हेन कार्बन डज नॉट हैव हाइड्रोजन दिस पार्ट, अभी इसका मीनिंग समझाते हैं, रिएक्शन से समझ में आ जाएगा, फॉर्म्स कीटोन। अभी बताते, रिएक्शन करेंगे तब पता लगेगा। लिखा होता है या जिंक डस्ट भी लिखा होता है ना, दोनों बात एक ही है। अब रिएक्शन लिखो। अब तो ये तो तुमने पॉइंट में लिख ही लिया ना, लिख लो, लिखना है तो लिख लो, फिर प्रोडक्ट बनाना सिखा दें। बहुत अच्छा हुआ है अपना इस मंथ में शुरू हो गया ये चैप्टर, मुझे लग रहा था नहीं शुरू हो पाएगा। अभी तो ऐसे ही खत्म। हो गया, रिएक्शन का प्रोसेस सीख ले। नहीं, 8-10 तक एमिन करा दे, दिसंबर तक एमिन करा देंगे, मेरा टारगेट तो यही है, एमिन करा देंगे तो अपनी मेजर ऑर्गेनिक तो निपट गई, फिर उसके बाद आगे अपना वो वाले जो है उनको करा लेंगे, वो तो याद करने वाले हैं वैसे ही। अब वो बचता है अपना जे के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें बहुत समझना है, याद कम करना। हाँ, चलो, डबल बॉन्ड का ये कंपाउंड है, मान लीजिए ओजोनोलिसिस का प्रोसेस समझते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे जोड़नी है ओजोन, तो ओजोन जुड़ती कैसे है, देखो डबल बॉन्ड हट जाता है और एक होम लाइक
स्ट्रक्चर बनता है मंदिर जैसा या होम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे देखिए CH2 CH2, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, इधर इधर, ऐसे तीन ओजोन जुड़ गए, हाउस लाइक स्ट्रक्चर बन गया, यस और नो? अब इसके ऊपर कौन आएगा? इसको बोलते हैं ओजोनाइट। क्या बोलते हैं इसको? ये कंपाउंड था इथाइलीन, ये इथाइलीन था, तो इसको हम बोलेंगे इथाइलीन ओजोनाइट। ठीक है, अब जिंक डस्ट जब इसके ऊपर काम करेगी, सारांश बोर्ड पे जिंक डस्ट जब इस पे काम करता है तो इस पार्ट को ब्रेक कर देता। क्या करता है? इस पार्ट को ब्रेक कर देता। अब ये क्या बन गया? CH2O CH2O, दो पार्ट में ये टूट गया और क्या बन गया? CH2O CH2O, दो मॉलिक्यूल बन गए। इस CH2O को हम बोलते हैं SCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो इथाइलीन से क्या बना? दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के बन गए, ZNO बन जाएगा। यहाँ H2 भी लगता है, जिंक डक्स से जाएगा। दो SCHO बन गए, तो इथाइलीन से क्या बना? केवल एल्डिहाइड बना, देख पा रहे? ठीक है, जिंक डस्ट और H2O दोनों सेम स्टेट पे, ZNO बनता है, ऑक्सीजन जिंक के ऑक्सीजन को खींचता है, फिर ये जो ऑक्सीजन होती है H2O के साथ कंबाइन करके H2O2 बनाती है। जिंक बेसिकली पहले एसोसिएट तो होगा लेकिन जिंक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। जिंक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? अब अगला कंपाउंड आप बनाएंगे अगर पैटर्न सीख गए हैं तो। लिख नहीं रहा है, मुझे पता है, दिखाओ कॉपी। चलो साथ कौन देगा? लिखो ब्यूटीन टू। हाँ, ब्यूटीन टू की एनालिसिस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना है। सब लोग बनाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, और प्रोडक्ट बना के फोटो खींच के भेजिए ऑनलाइन भी। ब्यूटीन टू के प्रोडक्ट बनाने हैं ओजोनोलिसिस के। बन गया प्रोडक्ट। बन गए हो ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन
शोर नहीं हेमांग, हेमांग आंसर भेजो, आंसर भेजो। तोड़ोगे नहीं इसको? क्या किया है? ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर भेजिए। चलो मैं सिखाऊं, फिर से सिखाऊं? नहीं आ रहा है तो मैं सिखाऊं? स्टेप बाय स्टेप करना है ना। जो एल्कीन है उसके एक तरफ इस तरीके से ओ जोड़िए और नीचे की तरफ ऐसे ओ जोड़िए, दो ओ। ठीक है, ये डबल बॉन्ड पे रिएक्शन हो रहा है, इधर इधर ऐसे ही रहेंगे जुड़े हुए। किस पे रिएक्शन हो रहा है? डबल बॉन्ड पे। करा के दिखाऊं? देखिए, फिर तीसरा आप करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस तो करनी आनी चाहिए, एक बार सीख गए तो। ब्यूटीन टू था ना, ये था। तो ओजोनोलिसिस किस पे करानी है? डबल बॉन्ड पे। फोकस आपका इस पे होना चाहिए। इधर इधर कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? स्ट्रक्चर में इस पे क्या कर रहे थे आप लोग? कई लोग इसको भी जोड़ करके अंदर ले लिए हैं, इसको इसको नहीं करना है। ये रिएक्शन किसका है? ओजोनोलिसिस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन है। बोर्ड पे देखिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन है। तो इधर इधर वालों से मतलब नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। कैसे होगा रिएक्शन देखिए, यहाँ पे आपको बनाना है CH, CH का डबल बॉन्ड खत्म, ऊपर O, नीचे O, इस तरीके से। और इधर जो CH3 था वो तो वैसे का वैसे ही जुड़ा रहेगा। फिर आपने जिंक डस्ट लगा दिया, वाटर लगा दिया, तो H2O2 निकल जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। मंदिर को तोड़ देना है ऐसे, एक ही तरीका है इसको तोड़ने का। टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ना है? इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से। जो पार्ट इधर है उसको एक मॉलिक्यूल बना दो, जो पार्ट इधर है उसको एक मॉलिक्यूल बना दो। तो बना लो, CH3 क्या बचता है? CH3 CHO, और दूसरे में क्या बच रहा है? CH3 CH, दोनों सेम मॉलिक्यूल बन गए, एसिटाल्डिहाइड। ऑनलाइन समझ आया? ऑनलाइन क्लियर है? डबल बॉन्ड को हटा करके पहले क्या बनाना है? ओजोनाइट बनाना है। उसके लिए ऊपर एक ओ जोड़ना है, नीचे दो ओ जोड़ने हैं। फिर वहीं से क्या करना है? जिंक डस्ट लगाएंगे जब, और वाटर लगाएंगे तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, और स्प्लिटिंग करके दोनों पार्ट में जो चीज बन रही है वही क्या बन जाएंगे? आपके प्रोडक्ट। एक बनाएंगे अब, दे दिया जाए। चलो चलो नेक्स्ट बनाओ। आपको मेथड सिखा दिया ना कि जो डबल बॉन्ड वाला है उसी पे रिएक्शन होगा, बाकी जैसे साइड में लगे हैं वैसे ही लगा देना है। सिंगल बॉन्ड से है तो सिंगल बॉन्ड से अटैच करा दो।
मोजो नाइट। सब लोग मनाइए, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आना चाहिए। बोर्ड में भी आता है, जेई में भी आता है भाई। बनाए, मैं बनाती हूँ, आप लोग चेक करिए। ठीक है, ये कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, इन्हीं पे फोकस करना है। देख पा रहे हैं सब लोग, बोर्ड पे देखिए, इन पे क्या करना है फोकस। तो इन पे क्या बना लो पहले, ओजोनाइट बना लो पहले। ठीक है, इस कार्बन पे दो मिथाइल लगे हुए थे, लगा दो। जिंक डस्ट, तोड़ दिया इसको। ठीक है, यहाँ क्या बना, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3। यहाँ पे क्या बना, CH2O, जिसको क्या बोलते हैं, SCH। कर लेंगे अब पक्का। एक और दे दूँ, चलो इस पे करो। हो गई हो गई होगी, अभी करवाते हैं। ऑनलाइन से कोई आंसर नहीं आ रहा है ना, तो इस, हाँ बना के स्ट्रक्चर भेजिए फोटो खींच के। हाँ आंसर नहीं दो, आंसर नहीं दो, बाकी लोग को भी तो बनाने दो। बाकी लोग भी तो सीखें तोड़ना। बन गया दीपक, मानस बना पा रहे हैं। हो गया, बताया जाए, आंसर चेक करेंगे। रिएक्शन किसका है, डबल बॉन्ड का, और किसी से तो मतलब है नहीं, और तो वैसे ही रहेंगे, तो डबल बॉन्ड पे ही जोड़ दो। पहले डबल बॉन्ड वाले को लिख करके जोड़ लिया करो, फिर उसके अलावा जो चीजें हैं उनको बना दीजिए। ठीक है, तोड़ दिया, तो यहाँ क्या बन गया, CH3 CH CH3 CHO। पहला तो ये बन गया, यही बना है सबका।
और उधर वाला क्या बन गया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इतना ओजोनोलिसिस नहीं करना है तो करना क्या है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों पार्ट को ओओ दे दो, बन गया कंपाउंड। शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्योंकि आपको ये ओजोनाइट का स्ट्रक्चर थोड़ी पूछते हैं, आपसे पूछते हैं प्रोडक्ट क्या, क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है ना, ये कोई रूल नहीं है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, दोनों पार्ट को ओ ओ दे दीजिए। क्या सिंपल तो ये भी, हाँ तो उससे करो तुम, उसमें क्या दिक्कत, यहां से तोड़ा, इसको ओ बन गया प्रोडक्ट, ये लिखने उखने की जरूरत नहीं है, वो लिखना कब पड़ेगा, बोर्ड में लिखना पड़ेगा, है ना, बोर्ड में लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो भैया एक और करवा दें इसी का, क्वेश्चन 19 का। देखिए क्या रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसे आया है, ये एल्कीन है, इसके इस पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है के ओ टी बी यू, दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है ओजोन Me2 ठीक है, जैसे आपका H2O होता है वैसे ही ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, Me2S, Me का मतलब मिथाइल सल्फाइड, ठीक है ना, जैसे H2O होता है सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वैसे ही ये Me2S कैसे काम करेगा, डाइमिथाइल सल्फाइड कैसे काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह, ठीक है। ओजोन दिख रहा है तो इतना समझ में आ रहा है कि ओजोनोलिसिस होगा, पहले रिएक्शन होगी वन से, वन लिखने का मतलब पहले इस रिएजेंट से रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन कौन सा है ये देखते हैं, ये है पोटेशियम और इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, क्या बोलते हैं, ये जो रिएजेंट है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, ये बहुत बड़ा बल्की बेस होता है, SN2 कराता है, क्या है ये बल्की बेस, SN2 कराएगा, ब्रोमीन निकलेगा, ये डबल बॉन्ड पे काम नहीं करेगा, ये किस पे काम करेगा, इस पे ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा, ब्रोमीन के निकलने के बाद प्रोडक्ट आपका बनेगा ब्रोमीन निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा क्या, यस और नो, सॉरी SN2 मैंने लिख दिया, क्या होगा यहाँ पे, एक पोजीशन से H जाएगा, एक पोजीशन से Br, एलिमिनेशन होगा, H इस जगह से आपका क्या निकलेगा Br, और दूसरी पोजीशन से क्या जाएगा H, अब सोचने की बात है कि किस पोजीशन से H जाए, Br तो यहीं से, इधर से या इधर से, क्यों फिर से रिपीट रिपीट, हाँ तो वो तो बात सही है, अगर इस पोजीशन से H हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, अगर इस पोजीशन से एच हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इस पे हाँ,
जब एलिमिनेशन होती है, ऐसी रिएक्शन एलिमिनेशन होता है, तो ऐसे एलिमिनेशन में क्या ध्यान रखना है हमको? क्या ध्यान रखना है कि वो एल्कीन बनानी है जो स्टेबल होगी। एल्कीन कौन सी बनेगी? जो स्टेबल। यहां से बी आर जाएगा, यहां से एच जाए या यहां से एच जाए, दोनों एल्कीन बना लेते हैं, बना के देखते हैं। यहां से बी आर गया, अगर यहां से एच गया तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, क्लियर है बात? और अगर यहां से बी आर जाए और यहां से एच जाए तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाली एल्कीन को देखो, तो यहाँ पे पाई सिग्मा सिग्मा पाई, यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन दिख रहा है अच्छा खासा, तो ये स्टेबल होगी। कंजुगेशन अच्छा खासा दिख रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये बनेगी, ठीक है? ये बन गई। अब दूसरा रिएजेंट कौन सा है? ये किसने किया? पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ने ये काम किया। अब दूसरा रिएजेंट ओजोनोलिसिस कराएगा, तो अब इसकी होगी ओजोनोलिसिस, करवा दे। हाँ बोलो बोलो। तो बीटा तो दोनों ही है ना, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। तो किससे हटाएं? उससे हटाएं जिससे एल्कीन कैसी बने? स्टेबल। भाई वहां पे भी तो हम देखते थे हाइपर कंजुगेशन से। तो ये वाली स्टेबल बन गई। अब इसकी क्या कराएं? वो जोनो लिसिस। और क्या? पहला रिएजेंट ये था, इसने बीआर को हटा करके डबल बॉन्ड लाया। अब दूसरा रिएजेंट ओजोन है, तो ओजोनोलिसिस हो, नोट हो गया? दो दो हैं, यही तो स्पेशल केस है ना। लाओ भैया, बनाए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भेज दिया क्या किसी ने? किसी ने बना लिया प्रोडक्ट? चलो बनाते हैं। ये एल्कीन है, कौन सी है? ठीक है, यही था ना, ये वाली स्टेबल बनी थी, जो अनस्टेबल थी उसको छोड़ दिया, ये बनेगी। तो ओजोन लग गई, ओजोन लगती है तो क्या होता है? ब्रेक होगा, कौन ब्रेक होके क्या देना है दोनों को? ओ, तो ब्रेकिंग कैसे होगी? देखो दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक ये ब्रेक होगा और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। हाँ दोनों ब्रेक होंगे, दोनों ब्रेक होंगे, तो देखो ये जो कार्बन है ये सी एच है, इसको एक ऑक्सीजन मिलेगी। ये जो कार्बन है ये एक दो, ये सी एच टू है, ये भी कार्बन तो सी एच है, यहां से भी तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां से भी ब्रेक हो रहा है, तो एक सी एच ओ इसको मिल जाएगा, एक सी एच ओ, एक एक ऑक्सीजन यहाँ मिल गए, ठीक? दो बॉन्ड है तो दो ओजोनोलिसिस होगी ना। यहाँ पे ये बन गया कंपाउंड, तो कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? इस पॉइंट पे सी एच ओ, इस पॉइंट पे सी एच ओ, बीच में सी एच टू सी एच टू, ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? दोनों जगह से मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, ठीक है? अब देखो, अब इसको अगर ध्यान से देखो, इधर वाले को, तो इसके पास तो दो ही कार्बन है, यहाँ कितने थे? कार्बन तो नहीं चेंज हो रहे थे ना कंपाउंड में, ओजोनोलिसिस में कार्बन तो नहीं चेंज हो रहे थे, यस और नो? कार्बन उतने ही रहते थे, कार्बन का नंबर ना तो कम होता था और ना ही ज्यादा
ज्यादा होता था। यहाँ के इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस पार्ट को ओ दे दिया, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस पार्ट को ओ दे दिया, तो यहाँ सी एच ओ बन गया, यहाँ सी एच ओ बन गया, सी एच सी एच था, बीच में सी एच टू सी एच टू आ गया। एक प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट देखो, अब इस पे कार्बन पे सी एच और इस कार्बन पे सी एच, दोनों को एक एक ओ दे दो तो क्या बन जाएगा, देखो अगर एक होता तो क्या करते, एक से समझे, किसकी बात कर रहे हो, चलो ऊपर वाले रिंग का लेफ्ट हैंड, ये इस पे दो है, दो क्या ये सी एच है, वो सी एच ये सी एच टू है दो, हाँ ठीक है, किस बेचारे पे, उस वाले पे, इस पे इस पे, हाँ ये इधर भी एक ही है, अकेला ही मिल रहा है इसको, ये कनेक्टेड नहीं है, टूट गई है। क्लास सुनो 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 सुनो, ये क्यों आया प्रोडक्ट, मैंने क्या बोला था, जो चीजें जुड़ी हैं वो जुड़ी रहेंगी, उसके अलावा डबल बॉन्ड के अलावा किसको टूटना है, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को टूट करके एक तरफ दूसरा प्रोडक्ट, एक तरफ दूसरा प्रोडक्ट, ये वाला डबल बॉन्ड, अब इस कार्बन की क्या विडंबना है कि इधर भी डबल बॉन्ड है इसके और इधर भी डबल, ये दोनों तरफ से टूट गया, ये ऐसे था, इसके इस तरफ भी डबल बॉन्ड था, इस तरफ भी डबल बॉन्ड था, इधर टूटा एक ओ मिला, इधर से टूटा एक ओ मिला, तो CHO CHO, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड पे कुछ नहीं होने वाला, सिंगल बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा, मॉलिक्यूल केवल ब्रेक कहां से होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इस पे डबल बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड टूटा, तो ऐसे समझो कि ये पार्ट बने, ये एक बेचारा और ये एक, देख पा रहे हो, ऐसे 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 टूटा ना, तो ये इधर ये सिंगल बॉन्ड वाला ये दो कार्बन और इधर एक दो तीन चार, इसको एक ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, CHO CHO, और इधर वाले को तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही मिलेगी, है ना, एक ही दो ही कार्बन है, लेकिन सिंगल बॉन्ड पे कोई असर नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड से क्लियर है बात, तो थोड़ा सा वो जो क्वेश्चन पूछा गया वो जो एनालिसिस का क्या पूछा गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूछ लिया गया, पहले एक रिएक्शन, एक तो दो रिएक्शन दे दी, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड दे दिया, तो हमें समझ में आना था कि BR निकलना है, डबल बॉन्ड आना है, दूसरी प्रॉब्लम डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन इधर से निकालें या इधर से निकालें, तो दोनों को बना के देखा, स्टेबल वो थी तो उसको बनाया, फिर तीसरी चीज ओजोनोलिसिस करानी है, ओजोनोलिसिस में अगर केवल एक होता, अगर एक केवल डबल बॉन्ड होता तो यहाँ से ब्रेक हो जाता, इसको एक ओ मिल जाता, इस पार्ट को एक ओ, इस पार्ट को एक ओ मिल जाता, और बाकी एक दो तीन चार कार्बन हो जाते अगर ऐसा होता तो, चार कार्बन ऐसे ही रहते ना, कार्बन में तो चेंज होना नहीं है, जितने कार्बन है उतने ही रहेंगे टोटल, ये एक ब्रेक होता, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि दो दो डबल बॉन्ड बन गए थे, तो जब ब्रेकिंग हुई तो इसको भी टूटना है, इसको भी टूटना है,
इसका इधर से भी घाटा हुआ, इधर से भी घाटा हुआ, तो इस पॉइंट को भी ए को मिला, इस पॉइंट को भी ए को मिला, तो बना सी एच ओ सी एच ओ। सिंगल बॉन्ड तो बना रहेगा, सिंगल बॉन्ड पे कोई असर होना नहीं, उसकी रिएक्शन ही नहीं है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, इधर से ब्रेक हुआ तो इधर सी एच ओ, इधर ब्रेक हुआ तो इधर वाले पार्ट को। मतलब कुल मिला के जो रिएक्शन है वो कैसे हो रहा है, डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों पार्ट को एक एक ओ दे दो और प्रोडक्ट बना। क्लियर है बात? तो ये कौन सा एल्डिहाइड है, इसका नाम बता दो, ये वाले का आयुपैक बोल दो। इस ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, जनरल नेम है इसका ग्लाइऑक्सल। ब्यूटेन 1,4 नहीं बोलेंगे, 1,4 जरूरत नहीं पड़ेगी। अल जो है वो 1 और 4 पे ही आएगा, बीच में सी एच ओ नहीं आ पाएगा। और ये क्या हो गया ग्लाइऑक्सल, तो इसका नाम क्या दे दे, इथेन। ठीक है, पता नहीं अप्रैल 19 की अप्रैल शिफ्ट में आया वो जोनोलिसिस का सवाल 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 सवाल। एक और सवाल कर लीजिए फिर क्लास छोड़ देते हैं ना, फिर अगले पे करें। एक सवाल और कर लीजिए, आप लोग वो रिएक्शन पढ़ चुके हैं ना, हेलो फॉर्म पढ़ा चुके हैं, हेलो फॉर्म फिर से आएगी। पहचान क्या थी हेलो फॉर्म की, सी एच थ्री सी ओ ग्रुप हो या सी एच थ्री सी एच ओ एच ग्रुप हो। ठीक, लिख लो यहाँ पे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेलो फॉर्म रिएक्शन लिख लो, क्योंकि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो है नहीं, क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेलो फॉर्म रिएक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेलो फॉर्म रिएक्शन। कौन है, क्लास लीव कर दिया, सुहानी है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। इसके पहले लिखो, जगह है कहीं थोड़ी सी ऊपर वो तो लिख लो, थोड़ी सी है तो ऐसे बना लो। टॉलेंस रिएजेंट टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड फॉर्म सिल्वर मिरर। चलो क्वेश्चन लिख लो आप सीधे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या हो गया, बच्चे गायब हो गए, मैंने तो कुछ किया। पहले सुहानी गई, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट रिएक्ट विद
न्यूट्रल FeCl3, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉट रिएक्ट विद, न्यूट्रल FeCl3 एंड नॉट रिएक्ट विद FeCl3 एंड नॉट रिएक्ट विद, दो हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन बट रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बट रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड गिव्स पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, द कंपाउंड इज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करता है, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देता है, न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट नहीं देता है। कंपाउंड बताना है कौन सा है, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन लिख लो, सारांश, सारांश आप बहुत बात करते हो, अब चिल्ला क्यों रहे, आराम से बोलो। सच्चा सच्चा इंसान बोलता ही कहाँ है, तो वही तो कह रही, तुम्हारी तो फट फट के बाहर आ रही है, निकल रही है। ना बोला करो तुम लोग, ऐसे बहुत ही बदमाश हो रहे हो तुम। अच्छा थोड़ी लगता है वीडियो चलता रहता है, मैं उसमें डांट रही हूँ। चलो भैया चार ऑप्शन है आपके पास, पूरा कॉन्ट्रैक्ट मत लेके रखिए कि क्वेश्चन देखते ही बोलना ही है, थोड़ा सोच के भी बोल सकते हैं, पॉज भी ले सकते हैं, आप पॉज भी लेकर के अपना आंसर दे सकते हैं, लिख लो, इसके नीचे स्टार बना के पॉइंट तो लिख लो, टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या ये तो लिखो, बता दिया है क्या होता है तो बता दो। हाँ टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन को लिख लो, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन
टू फॉर्म, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, ऐसे लिखते हैं, लिखवाया है? फेलिंग सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट होता है? फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है? फेलिंग सॉल्यूशन, हाँ, फेलिंग सॉल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और ए होता है कॉपर ऑक्साइड। नहीं, एक मिनट, कॉपर मेन रिएजेंट तो कॉपर सल्फेट होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है? और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। स्पेलिंग देखें, ROCHE, रोशेल सॉल्ट। बता दो, जी बोलिए। अपना अपना आंसर बोलो। क्यों नहीं काम कर रहा है? न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्शन करता है, लिखिए पॉइंट, न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्शन करता है फिनॉल। देख लो इसमें से कोई स्ट्रक्चर फिनॉल है, कौन सा? ए फिनॉल है ना, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर OH है। क्लास बात समझ में आई? न्यूट्रल FeCl3 के साथ फिनॉल रिएक्ट करते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है कि ये नहीं रिएक्ट कर रहा है ना, तो फिनॉल तो नहीं है। अगर रिएक्ट, फिनॉल नहीं है तो फिर कौन से बचे हैं ऑप्शन अपने? बी सी डी। अब क्या दे रहा है ये? ऑर्डोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो या तो CH3CO ग्रुप होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए। देख लो किसमें है, कहाँ बी में कहाँ दिख रहा है? आई
स्लाइडो एक ही पॉइंट से आप इसको पकड़ सकते थे क्वेश्चन को, न्यूट्रल Fe Cl3 के साथ टेस्ट देगा कौन? फिनॉल। और ये फिनॉल के साथ टेस्ट नहीं दे रहा है, न्यूट्रल Fe Cl3 के साथ टेस्ट नहीं दे रहा है। ए तो न्यूट्रल Fe Cl3 के साथ दे देगा, फिनॉल है क्योंकि, तो ये कट गया। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन जो दी है फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस, ये नहीं भी आपको मालूम है अगर, तो आप आयडोफॉर्म की कंडीशन याद कर लो ना। आयडोफॉर्म में क्या था, या तो CH3CO ग्रुप हो या तो क्या हो CH3CHOH ग्रुप हो। किसी स्ट्रक्चर में ये ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको? इसमें देखो CH3O ग्रुप है, एल्कोहल तो है ही नहीं, एल्कोहल तो यही हो, यही वाला दिखना चाहिए बस, CH3CHOH है ही नहीं। सी को देख लो, सी में CH3O ग्रुप है, CH3CO तो है नहीं, C2H5CO है लेकिन CH3CO नहीं है, ये भी नहीं हो गया। ये देखो CH3 यहाँ पे CH3C और यहाँ पे OH है, इस कार्बन पे देखो H होगा ना, इस कार्बन तीन वैलेंसी है ना CH3CHOH, तो ऑप्शन क्या हो गया? डी, उसने डी बोला था, आंसर क्या हो गया? डी। ये भी कभी तो आया हुआ था, बस ये नहीं है, ये याद नहीं कब आया था। सुहानी बाय बाय, इसमें इतने सारे टेस्ट दिए थे लेकिन जिसको आयोडोफॉर्म की कंडीशन याद थी वो केवल उससे ही कर